मॉर्निंग गाइस, सामान मैंने बांध लिया है और मैं रेडी हूँ निकलने के लिए। ये होटल वाले भैया मेरा सामान बांधने में बहुत हेल्प किया, बाय। कभी आऊँगा कश्मीर तो दोबारा मिलेंगे। ओके, तो मैं यहाँ से अब निकलता हूँ सोनमर्ग के लिए। गाड़ी रिफ्यूल कराना है तो रास्ते में जो भी फ्यूल टैंक मिलेगा मुझे, मैं वहां से हो लूंगा। गाइज, NH1 अभी 3 किलोमीटर्स और है। अभी मैं श्रीनगर के इंटरनल रोड पे चल रहा हूँ। यहाँ से 3.2 किलोमीटर शो कर रहा है NH1, तो एक बार से हम NH1 पकड़ लेंगे तो फिर हम ऑफिशियली लद्दाख के श्रीनगर लद्दाख रास्ते पे एंटर कर जाएंगे। अभी तो यहाँ मौसम नॉर्मल है, बट रात में सोनमर्ग में टेम्परेचर माइनस डिग्रीज में गया था, तो एक्सपेक्टेड है कि ऊपर काफ़ी ठंड होगी। अभी तक तो मैं गियर के अंदर कुछ भी नहीं पहन रहा था, जस्ट इनर्स में था, बट आज मैंने नीचे थर्मल पहन रखा है और ऊपर भी एक थर्मल पहन रखा है, और थर्मल के अंदर मैंने ऊपर टी शर्ट भी पहनी है। सो एक्सपेक्टेड है कि इतने में हम अराउंड 5 डिग्रीज तक का टेम्परेचर निकाल लेंगे, क्योंकि एक बार मैं जो जिला अगर पार कर जाऊंगा तो उसके बाद फिर लद्दाख स्टार्ट जाता है, तो उधर भी ठंड है बट धूप भी है, उधर की ठंड अलग ही है। तो देखते हैं, नहीं होगा तो फिर कुछ इसके ऊपर से मैं रेनकोट डाल लूँगा, तो उससे हवा अंदर जानी बंद हो जाएगी, तो अंदर की जो हीट है, बॉडी वार्म्थ है, वो अंदर कंटेन रहेगा, तो उससे मैं काफ़ी हीटअप हो जाऊँगा और ठंड से बच जाऊंगा। ऐसा किया था मैंने मुक्तिनाथ नेपाल की राइड में, मैं बिना कोई थर्मल लेयरिंग के मैं चला गया था और फिर आगे मौसम ख़राब हो गया, हल्की हल्की बारिश होने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी, तो मैंने ऊपर से रेन जैकेट डाल दिया और उसके बाद मैं चला गया बड़े आराम से, मुझे ठंड नहीं लगी। आज मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस एक बात की टेंशन है कि जब मैं जम्मू एंड कश्मीर में एंटर किया तो मेरा प्रीपेड जियो का सिम बंद हो गया, तो मैंने अपना एयरटेल का एक नंबर पोस्टपेड करा के रखा था, तो वो नंबर यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में बहुत अच्छे से काम कर रहा था अभी तक। अब सेम ऐसा लद्दाख में भी रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेके मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। मेरे हिसाब से 99.99% ये नंबर काम करेगा, तो अगर काम करता है फिर तो कोई बात ही नहीं है। कारगिल जाएंगे और कल सुबह वहाँ से लॉगिन करेंगे फ्राइडे और काम करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। तो हम ऑलमोस्ट अभी पहुँचने वाले हैं लद्दाख हाईवे पे, और ये रहा अपना लद्दाख हाईवे। सोनमर्ग ये जाएगी, हाँ सोनमर्ग सीधे। थैंक यू। कहाँ से आया? मैं यूपी गोरखपुर। कितने दिन हो गई? अरे मैं संडे को निकला था, सैटरडे को निकला था। इंशाल्लाह। और बंदा और कहाँ? अकेले हूँ मैं। अकेले? हाँ जाओ करो। ठीक है, चलो। थैंक यू अंकल। बड़े ही खुश मिजाज दिल के लग रहे थे सज्जन जो मिले थे पीछे। तो कंटिन्यू करते हैं आगे, पेट्रोल पंप पे फ्यूलिंग करानी है मुझे, तो वहाँ पे कैमरा ऑन करूँगा, देखना है मुझे JNK में पेट्रोल की प्राइसेस क्या हैं, और उसके बाद फिर आगे निकल जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ, क्योंकि
जो जिला टॉप का सोनमर्ग से एक कट ऑफ टाइम है 9:30 और 10:30 के आसपास का, तो उससे पहले निकलना चाहता पहुँचना चाहता हूँ मैं सोनमर्ग। तो लेट्स गो। श्रीनगर में पेट्रोल की कॉस्ट है 102.11, 102 रुपये। जम्मू में अराउंड 98 पॉइंट समथिंग था, बट मैंने इनसे पूछा तो मेन रीज़न यही है कि जम्मू इजीली एक्सेसिबल है और श्रीनगर ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ जाते हैं, इसलिए 102 रुपये हो रखा है। और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे जैसे मैं आगे जाते जाऊंगा प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। मैं अभी अपने ग्लव्स लगा रहा हूं क्योंकि माहौल थोड़ा ठंडा हो रखा है, ठंड लग रही है हाथों में। तो अब निकलते हैं फाइनली यहां से। कोशिश ये करना है कि एक बार में या फिर मैक्सिमम विद वन स्टॉप सोनमर्ग तक चला जाऊं, रुकना ना पड़े बीच में। सो लेट्स गो। तो हम अभी श्रीनगर क्रॉस करके गंडरबल डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं और यहाँ से सोनमर्ग है अराउंड 66 किलोमीटर्स। अभी पीछे जस्ट 1 किलोमीटर पीछे ही मैं रिफ्यूलिंग किया था, तो मैं सोचा कि बॉर्डर है तो बता दूं। तो अभी फिर कंटिन्यू करेंगे, थोड़े देर में हमारा एसेंड स्टार्ट हो जाएगा सोनमर्ग के लिए, तो चलते हैं। यहाँ पे लोग हमें टोल दे रहे हैं 50 रुपये। तो पीछे कुछ बाइकर्स हैं, मैं उनसे आगे निकल जाता हूँ ताकि वो मेरे पीछे पीछे रहेंगे। ये मेरी स्ट्रेटजी है सोलो चलते हुए। गाइस ये है झेलम रिवर जिसे अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ये बड़ा प्यारा सा लोहे का पुल है और सामने पहाड़। सामने एक आर्मी व्हीकल भी चल रही है। तो गाइस अभी एसेंट स्टार्ट हो गया है और सामने कुछ स्नो क्लैडेड माउंटेन्स भी दिखने लगे हैं। वो देखिए उन सारे पहाड़ों पे बर्फ भी है। और आई थिंक हमें उन्हीं पहाड़ों के बीच से होकर के जाना है जो जिला पास। तो अभी हमें ये फर्स्ट फ्लॉक मिला है लैम्ब का। ये लोग आई थिंक द्रास जाएंगे। अपडेट ये है गाइस कि जो प्रॉब्लम थी हाथ में ठंड लगने की वो मैंने सॉल्व कर ली है। मैंने ग्लव्स खरीद लिए विंटर वाले, 100 रुपये के मिले हैं अभी बस मुझे। तो अभी मुझे हाथ में ठंड लगनी बंद हो गई है और अंदर हाथों को काफ़ी आराम मिला इसको लगाने के बाद। तो आई गेस अब हम बिना किसी इशू के जो जिला पास क्रॉस कर लेंगे। बस एक और छोटी सी मिस्टेक ये हुई है कि जो मेरा इंस्टा 360 था उसका मेरे पास एक 3 मीटर लॉन्ग लंबा वाला सेल्फी स्टिक है जिसे मैं सोचा था कि आज कुछ अच्छे एरियल शॉट्स लूँगा, बट वो मेरे सैडल बैग्स में रह गया और अभी सैडल बैग्स को खोलना इम्पॉसिबल है क्योंकि मुझे पूरा सारा सामान
अनलोड करना पड़ेगा। जो टेल बैग है वो सैडल बैग के ऊपर रखा हुआ है, तो उसको अनलोड करके फिर खोलना पड़ेगा, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं फिर वो नहीं ले पाऊँगा। और कोशिश करूँगा कि जो मेरी 1.2 मीटर वाली सेल्फी स्टिक है जो कि ऊपर है, उससे ही कुछ अच्छे शॉट्स आप सभी के लिए निकालूँ। और अभी सोनमर्ग है अराउंड 34 किलोमीटर्स, 1 hour 57 minutes टाइम टू रीच। और मैं अभी कैमरा 4K मोड में स्विच नहीं कर पाया हूँ, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं एक छोटा सा स्टॉप लेकर के कैमरा स्विच करूँ। और साथ ही अभी मैंने सीट्स पे अपने एयर सीट्स नहीं लगाए थे सुबह, तो उसको भी लगाना है। गाइस वो देखो बर्फ, काफ़ी क्लोज आ गए हैं हम लोग बर्फ के। और 100% श्योर हूँ कि जो जिला पूरा स्नो से फुल होगा। आई थिंक हमें स्नो वॉल्स भी देखने को मिल जाएं, दोनों साइड जो वॉल्स होती हैं उसके बीच से जो रास्ता होता है हमें वो भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी 10 दिन पहले तक तो थे, क्योंकि अचानक से स्नोफॉल हुई थी बीच में, तो उसके बाद अच्छी खासी बर्फ़ जमा हो गई थी। और नीचे वैली देखो गाइस, क्या सुंदर वैली है। तो वहाँ बर्फ़ जमा हो गई थी, फिर उसके बाद काफ़ी अच्छी खासी ऊंची बर्फ़ की दीवारें लगी हुई थी, तो अभी बर्फ़ मेल्ट हुई होगी, बट कितनी मेल्ट हुई है, कितनी बची है वो तो अभी जाने के बाद पता चलेगा, बट फिर भी हमें स्नो देखने को मिलेगा। एंड अगर हम लकी हुए तो स्नो वॉल्स भी देखने को मिल जाएंगे। सोनमर्ग यहाँ से अभी 24 किलोमीटर्स है, अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स। और मैंने कैमरा मोड चेंज करके 4K 60 FPS कर लिया है, तो आपको बहुत ही प्यारी फुटेज देखने को मिलेगी, बहुत ही क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी की फुटेज मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ और अच्छे से उसे कलर ग्रेड करूँ, ताकि आप इस ब्यूटी का अच्छे से देख सको, आप इस ब्यूटी को, चूँकि आँखों से देखना ज़्यादा बेटर है, बट अगर आप नहीं आ सकते तो वीडियोज ही सही। ये मॉस्क है आई गेस, क्या ही नजारा है। तो गाइज़ मैं अभी 2 मिनट के लिए रुका था, घर से फ़ोन आ रहा था, तो घर पे अपना लोकेशन अपडेट देना था। और अभी सोनमर्ग यहाँ से अराउंड 13 किलोमीटर्स मोर, और टाइम अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स दिखा रहा। तो कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं बहुत ही सुंदर वैली के बीच में हूँ, बट जो ये रास्ते का धूल है जो इन ट्रक्स की वजह से उड़ रहा है, उसकी वजह से थोड़ी सुंदरता कम सी लग रही है। अगर यहाँ ये रास्ता ना होता तो ये जगह और भी सुंदर होती। तो गाइस जो आप देख रहे हो वो ग्रे कलर का पहाड़ों में, वो एक्चुअली ग्लेशियर है, और उसी से पानी
आ रहा है जो कि इस नदी में बह रहा है। अभी मैं नज़दीक चलता हूँ तो फिर दिखाता हूँ। और सर्दियों में ये पूरा बर्फ से ढक जाता है। सामने देखिए बर्फ से ढके हुए पहाड़, स्नो क्लैडेड माउंटेन्स। ये देखो भाई अपना घोड़े पे जा रहे हैं। यहाँ हैवी कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से कंडीशन थोड़ी सी बेकार है। तो गाइस सोनमर्ग स्टार्ट हो चुका है। साइड में पीछे ग्लेशियर वाले माउंटेन्स, सामने ग्लेशियर वाले माउंटेन्स और आगे दूर आगे स्नो क्लैडेड माउंटेन्स। ये वैली में भेड़ है, घास खा रही। सामने और भी क्रेजी माउंटेन्स अनवील होते हुए। यहाँ आगे कहीं एक चेक पोस्ट है जहाँ से वो जाने देते हैं जो जिला के लिए, अभी तक दिखा नहीं मुझे। तो गाइस मैं अभी सोनमर्ग क्रॉस करके जो जिला पास के लिए निकल चुका हूँ। पीछे मैं रुका था फॉर 10 मिनट्स, मैंने चाय पी और मैगी खाया और अभी मैं जो जिला पास के लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने पूछा आगे 5 किलोमीटर तक रास्ता ऐसा है, उसके बाद रास्ता नॉर्मल पत्थरों वाला और ईंटों वाला रास्ता है, तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से कोई गुमरी नाम की जगह है 15 किलोमीटर्स, बट नेक्स्ट 5 किलोमीटर्स में हम जो जिला के लिए असेंडिंग स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस एक कमाल हो गया लास्ट। थोड़ी देर पहले से मैंने कैमरा ऑन किया, सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारी बातें की
रिकॉर्ड करने की कोशिश किया, लेकिन आई थिंक कैमरा ऑफ हो चुका था या फिर ऑन ही नहीं हुआ था और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो गाइस सीन अभी ये है कि बैटरी मेरी डिस्चार्ज हो गई थी गोप्रो की, तो बहुत सारी बातें मैंने जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैं वो बातें दोबारा से करूँगा आगे रास्ते में। अभी ये रास्ता थोड़ा इन रास्तों पे फोकस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं फोकस होकर के गाड़ी चलाता हूँ क्योंकि मैं अभी जो खाई है उसके साइड पे हूँ और ऑब्वियसली थोड़ा सा स्केरी तो है ही कि अगर एक भी मिस्टेक हुई तो गेम ओवर। सो मैं जो जिला क्रॉस पास कर लूँगा उसके बाद मैं आपसे बातें करूँगा, बट रिकॉर्डिंग मैं करता रहूँगा जब भी मुझे कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और गाइस हाँ, आज मैंने पहला ब्लॉग डाल तो दिया बट आप लोगों ने ब्लॉग देखा भी, जैसे ये मेरा फर्स्ट चैनल था और सब्सक्राइबर भी कुछ नहीं थे, तो रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। बट जो मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग को थोड़ा पूरा देखिए और उस पर कुछ अपने फीडबैक्स दीजिए, कमेंट्स डालिए, जिससे कि मैं कुछ सीख सकूं। जैसे कि क्या है ना कि मैं कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूं। अभी मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रहा हूं और मुझे कुछ खास उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, बहुत सारी गलतियाँ कर रहा हूँ, फिर उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने कंटिन्यूस फीडबैक्स देते रहें वीडियोज़ पर और जिनको मैं सुधारने की पूरी कोशिश करता रहूँगा, तो फिर समय के साथ आप लोग को भी देखने को लगेगा कि हाँ मेरे कंटेंट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर आप फीडबैक ही नहीं दोगे तो फिर मुझे लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं वही कंटिन्यू करता रहूँगा, उसमें कुछ अच्छा कर और उसको सुधारने की कोशिश जो सिर्फ मुझे लगेगा मैं वही कर पाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि आपको लगती हैं कि सही है, बट जब उसे कोई थर्ड पर्सन देखता है अपने पर्सपेक्टिव से तो वो अपना ओपिनियन देता है कि उसे कैसा लगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना फीडबैक शेयर करें और जिसको मैं इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि मैं इन फ्यूचर और भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो धीरे धीरे हमारा एल्टीट्यूड भी साथ ही साथ बढ़ता जा रहा है। अब मेरे पास कोई GPS वॉच मैं लेना चाह रहा था गार्मिन की, बट ऑलरेडी बहुत सारा खर्च कर दिया मैंने लद्दाख ट्रिप के लिए, तो मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया और अभी हम ऐसे ही जा रहे हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग अभी ऑफ करूँगा क्योंकि बेसिक सा रास्ता है ऐसा ही, जब कुछ और अच्छा व्यू देखने को मिलता है तो मैं फिर कैमरा ऑन करूँगा। और मैंने 360 भी सेटअप लगा लिया है, तो मुझे जहाँ सही रोड दिखेगा, जहाँ मैं इजीली शूट कर सकूँ, तो मैं 360 भी ऑन करके कुछ आपको अलग पर्सपेक्टिव में व्यूज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी 360 ऑन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसको ऑन करने के बाद उसे ऑफ करने के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेल्फी स्टिक एक्सटेंड करूँगा फिर रास्ते में, अगर इफ़ आई रन इनटू सम ट्रैफिक तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मैं उसको डेफिनेटली ऑन करूँगा और अलग पर्सपेक्टिव से आपको व्यूज़ दिखाऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और पूरे ले ट्रिप में आपको बहुत ही अलग अलग तरीके के 360 डिग्री वीडियोज़ अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखने को मिलेंगे। तो मैं अभी अपना GoPro ऑफ करता हूँ। सामने देखो गाइस, वो रास्ता है और उस रास्ते से हमें जाना है।
सामने देखो गाइस इतना बड़ा ग्लेशियर, ये ग्लेशियर है, यहाँ एक वाटर क्रॉसिंग भी है। क्या रास्ता है गाइस, मजा आ गया। ये देखो गाइस एकदम सामने, और वो रहा ग्लेशियर। काफी ऊपर हैं हम, हवा थिन हो गई है, कोई इशू तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं मुक्तिनाथ गया था वो भी अराउंड सेम एल्टीट्यूड है जितना जोजीला का टॉप है 12,000 फीट, और वहाँ पे मुझे कुछ 300 स्टेयर्स भी चढ़नी थी, तो वो भी मैं चढ़ गया था बिना किसी क्या कहते हैं गार्लिक और उसके, बड़े आराम से चला गया था मैं। तो एटलीस्ट मुझे जोजीला पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसा मैं सोच रहा हूँ, बट ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। एक और छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है शायद, हाँ क्या ही वाटर क्रॉसिंग है, ये बॉटल्स हैं जिनमें पानी लगा हुआ है। बट ये देखिए ग्लेशियर से बर्फ़ पिघल के पानी टपकता हुआ, जो कि ये पानी सड़क पे आकर के बह रहा है। अब यहाँ आगे मैं रुकता हूँ क्योंकि थोड़ा सेफ लग रहा है मुझे यहाँ रुकना, यहाँ से पत्थर गिरने का कोई बड़ा सीन तो नहीं है, तो मैं शायद यहाँ रुक सकता हूँ। और जल्दी से मैं अपना 360 ऑन करूँगा, तो गाइस सामने रहा जोजीला पास, वहाँ पे ग्लेशियल राइड्स और क्या क्या टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो कि हम अभी नहीं करेंगे, हम क्रॉस कर जाएंगे, थोड़ा देर रुक के थोड़ी फोटोग्राफी करेंगे और उसके बाद यहाँ से क्रॉस कर लेंगे। सो फाइनली फर्स्ट माउंटेन पास ऑफ माय लाइफ इज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली।
ये है जोजीला, जोजीला जोजी माउंटेन पास। सो ला का मतलब होता है पास और जोजी इसका नाम है, तो इसको हम लोग कहते हैं जोजीला। वो देखो भाई, देखो सामने एक दूसरा नया पहाड़ अपने आप को रिवील किया और पीछे भी कुछ माउंटेंस हैं जो कि सब कुछ कैप्चर हो रहा है 360 में, आगे पीछे सब। तो मैं वो सभी चीज़ें आपको दिखा दूंगा। नो ये इंस्टा 360 है, ये गोप्रो है, ये 360 रिकॉर्ड करता है चारों तरफ, या आगे पीछे ऊपर नीचे सारा। और सर? मैं यूपी में हूँ, यूपी से आया हूँ, गोरखपुर। हाँ, आप यहाँ के लोकल हो? अच्छा अच्छा मैं भी ले से ही आया हूँ। अच्छा अब जा रहे हो ले? हाँ, आज कारगिल रुक जाऊँगा। क्या सर आगे जाओगे? सर पहले उधर जाओगे द्रास वार में, करगिल वार मेमोरियल, अंदर थोड़ा अच्छे से थोड़ा सीमेंट डाल करके उधर से 56 किलोमीटर है सर करके। चैनल बने है सर आपका? हाँ, एक चैनल है, अभी नया बनाया है, कल ही पहली वीडियो डाली है। क्या नाम है चैनल का? वांडर विद शिवम। वांडर विद शिवम, हाँ, WANDER WITHSHIVAM। नेटवर्क तो यहाँ होगा नहीं। अरे आ रहा है, 2G नेटवर्क आ रहा है। क्या नहीं है नेटवर्क? अरे आ रहा है, 2G नेटवर्क एयरटेल में आ रहा है। इंटरनेट चल रहा है? इंटरनेट नहीं चलेगा ना, कॉल हो सकती है। कॉल भी नहीं होगा, चेक करते हैं। सर, बाइक साथ है? मैं अकेले हूँ।